तो चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, जब आपका एग्जाम होगा वो भी इसी चैप्टर पर बेस्ड आएगा। और इसमें आपने काफ़ी सारी बातें अभी तक डिस्कस करी। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा आपने पढ़ा था, ठीक है। कुछ और बातें अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो एक बार और आप देखिए अभी कि इस चैप्टर में अभी नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है इट इज कंडीशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो आपने पहले भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, बट दे आर कॉल्ड दी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बट हियर वी डिस्कस दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विथ सम कंडीशंस, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको यहाँ पर इस कंडीशन के तहत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमको लिखना है, इसलिए हम इन आइडेंटिटीज को कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल रहे हैं। और यह वो जो कंडीशन है आपकी, वो कंडीशन ये है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आपका यहाँ पर ए प्लस बी प्लस आगे कहीं भी आपको ए बी सी आएगा, ठीक है, तो इनका सम आपका 180 डिग्री है, ये कंडीशन। और अब इस कंडीशन के लिए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिख रहे हैं, जिन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर ये कंडीशन वैलिड है, ये कंडीशन आपकी लगेंगी लगेंगी, तो उन आइडेंटिटीज में कहीं भी एंगल ए एंगल बी और एंगल सी आपका आएगा तो हमेशा वो हम एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कंसिडर करें। सो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन सबसे पहली बात जो है वो आपकी ये है कि फर्स्ट वन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन सी हम ले लेंगे, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन। और आप इसको बड़े इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि यदि मैं यहाँ पर साइन ए प्लस बी लेके चलता हूँ, साइन ए प्लस बी, तो आप विद दी हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन वी कैन राइट ए प्लस बी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस सी, क्योंकि हमको ये गिवन है। सो ए प्लस बी कैन बी रिटन 180 माइनस सी, और आप जानते हैं 180 माइनस सी जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और चूंकि यहाँ पर 180 है मतलब 90 और 270 नहीं है, तो आप साइन का साइन ही लेंगे और ये सी होगा, तो देयरफॉर वी गेट साइन सी। तो इस तरीके से साइन ए प्लस बी जो है वो साइन सी के बराबर हो जाता है। तो आगे से कभी भी क्वेश्चंस में आपको ये गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो आप साइन ए प्लस बी को सीधा साइन सी लिख दीजिए, या फिर साइन सी की जगह हम साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं, जैसे हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम ये रिजल्ट्स को यूज करेंगे, दोनों तरफ से लिख सकते हैं, साइन सी की जगह साइन ए प्लस बी लिख सकता हूँ,
एंड सिमिलरली साइन बी की जगह साइन सी प्लस ए लिख सकते हैं. सो नाउ द सेकंड वन, ये पहले का वेरिफिकेशन है. एंड बाय द सिमेट्री अब आप इसको देखते हुए ये लिख सकते हो कि साइन बी प्लस सी यदि मैं लेके चलूंगा तो साइन बी प्लस सी जो है वो साइन बी के बराबर हो जाएगा. और तीसरा जो रिजल्ट है कि यदि आप साइन सी प्लस ए लेके चलेंगे तो साइन सी प्लस ए कैन बी रिटर्न साइन बी. मतलब तो अब आपको इतनी बात में कोई डाउट हो तो पूछिए. एनीबॉडी, कोई भी बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम है इसको समझने में तो पूछिए. ये पहली बात होगी कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. सर आपका हेलो सर स्क्रीन प्लीज नहीं है पूरा, ऐसा लगा नेट गया है. अभी दिख रहा है? हेलो यस यामिनी, आवाज आ रहा है? यस सर. चलिए तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए. कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछिए. ये अपनी पहली बात आज की, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अब जैसा मैंने ये आइडेंटिटी साइन के लिए लिखा है, सिमिलरली वी राइट दीज आइडेंटिटी फॉर कॉस. हेलो शॉर्ट ना, हाँ ले लो बेटा स्क्रीन शॉर्ट. नाउ सिमिलरली वी राइट दीज आइडेंटिटी फॉर कॉस. तो नाउ जो अपना सेकंड है वो फॉर कॉस अपन लिख रहे हैं. तो दी फोर्थ वन, यदि आप कॉस को लेके चलेंगे ना बेटा, कॉस ए प्लस बी को आप लेके चलोगे, कॉस ए प्लस बी जो है वो माइनस ऑफ कॉस सी के बराबर. कॉस के केस में माइनस साइन है. कॉस के केस में माइनस साइन क्यों आता है वो आप देख लें यहाँ. बिकॉज यदि आप यहाँ पर cos a plus b को लेके चलेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आप लोगे और by the given result, given condition, a plus b को आप 180 minus c लिखेंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होगा, तो ये बनेगा माइनस का cos. तो दिस इज इट्स वेरिफिकेशन कि cos a plus b जो है वो माइनस ऑफ cos c के बराबर होगा. तो देयरफॉर व्हेन वी राइट cos b plus c, तो cos b plus c की जगह पर हम माइनस cos a. लेकिन हाँ ये याद रखना, ये आप तभी लिख पाओगे जब a plus b plus c 180 होगा. हर जगह आप नहीं लिख सकते, इसका विशेष ध्यान रखना. जहां भी आप इसको नोट करोगे, ये इसलिए अपन इसको कंडीशनल आइडेंटिटी बोलते हैं. बिना कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 के ये वैलिड नहीं है. इनको वैलिड कराने के लिए ये रिजल्ट आपके यूजफुल तभी होंगे, एप्लीकेबल तभी होंगे जब 180 दिखे. ठीक है, सो दीज आर दी आइडेंटिटी फॉर cos. एंड सिमिलरली
यू कैन राइट इट फॉर टैन. मेरे को एटलीस्ट तीन लिखना है, साइन, कॉस और टैन. ठीक है, तो यामिनी बताओ टैन के लिए क्या होगा. यामिनी पांडे, मृगांक मिश्रा, तुम बताओ टैन के लिए क्या होगा. टैन ए प्लस बी कितना लिखेंगे मृगांक. ओके, जीविता तुम बताओ. नेगेटिव रहेगा. कितना लिखी नेगेटिव में. टैन सी, मतलब माइनस टैन सी ना. ओके, और सिमिलरली टैन बी प्लस सी कैन बी रिटन माइनस ऑफ टैन ए. और विद द सेम रीजन, क्योंकि टैन बी जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और अब बचा हुआ एंगल आपका टैन सी प्लस ए है, तो टैन सी प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ टैन बी. जो रिमेनिंग एंगल है वो आपका आ जाता है. ठीक है, तो ये फोर्थ फिफ्थ और सिक्स भी आप ले लें स्क्रीन शॉट. और इतनी बात में कोई डाउट है तो अभी भी पूछ ले, किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ ले. अदरवाइज ये आइडेंटिटी का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये आपकी कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. चलिए, नाउ सम मोर आइडेंटिटीज आर देयर. ये जैसे आपने ए प्लस स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, फोर चार पांच छह, ये कॉस और टेन तीन के लिए, तीन ऊपर है साइन की और छह ये नीचे है कॉस और टेन के लिए. चलिए, सो नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब सिमिलरली आप देखो यहाँ पर कि व्हेन यू राइट इट फॉर, फिर से मैं साइन लिख रहा हूं बट मैं यहाँ पर अब साइन के साथ साइन ए प्लस बी नहीं ले रहा, ए प्लस बी बाई टू ले रहा. तो जब आप ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी बाई टू लेंगे, उसका भी आधा कर दोगे, तो फिर ये कितने के बराबर होता है. दिस इज इक्वल टू cos by 2 cos c by 2 के बराबर. मतलब हाफ एंगल केस में ये, हाँ, कोसेक sec और cot के लिए यदि आपने लिखना है पैच, इनका रेसिप्रोकल करके लिख सकते और सेम रहेंगे, क्योंकि जहां पर साइन पॉजिटिव है वहां पर कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव है वहां पे cot पॉजिटिव होता है, जहां पे cos पॉजिटिव है वहां पे sec पॉजिटिव. तो sin और cosec बिल्कुल एक जैसे चलेंगे, sec और cos एक जैसे चलेंगे, tan और cot एक. चलिए, सो मूविंग ऑन टू इट्स वेरिफिकेशन, हाउ टू वेरीफाई दिस. एंड फॉर दिस हियर वी टेक sin a + b / 2. मैंने यहाँ पे sin a + b / 2 लेके चले. याद रखें आपकी कंडीशन हमेशा आपको वही गिवन है कि a प्लस b प्लस c जो है वो 180 है, इसलिए आप a प्लस b को 180 माइनस c लिख सकते हैं और बाई टू आपका एस सच है डिनोमिनेटर. और अब यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो इट कैन बी रिटन 90 माइनस c बाई टू. और आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 माइनस समथिंग इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव आएगा. फर्स्ट थिंग साइन लगाना है अपने, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो 90 डिग्री है, तो साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, तो ये आता है कॉस थी. तो दिस इज इट्स वेरिफिकेशन, साइन ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉस थी बाई टू. एंड सिमिलरली बाकी आपके दो रिजल्ट, 11th रिजल्ट आपका हो जाएगा कि व्हेन वी राइट सिमेट्री से, जब आप साइन बी प्लस सी बाई टू लिखेंगे तो साइन बी प्लस सी बाई टू आपका
cos a by 2 हो जाएगा और sin c plus a by 2 आप जब लिखेंगे c और a आएगा तो ये cos b by 2 के बराबर होगा। तो these are the identities for half angle जब आप a plus b को b 2 से डिवाइड करें। yes तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए। और सिमिलरली अब आप इसको इसके लिए लिख लें cos के लिए और tan के लिए। सेम वी राइट इट फॉर cos एंड tan। यह आपकी आइडेंटिटी नंबर 12 होगी। अपन डायरेक्टली इसको cos और tan के लिए लिख देते हैं। तो कॉस के लिए मतलब एक आपने लर्न करना है, बाकी तो आप बिल्कुल देख सकते हो। जब कॉस बी प्लस सी बाई टू की आप बात करेंगे तो कॉस बी प्लस सी बाई टू साइन ए बाई टू के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड। और कॉस सी प्लस ए बाई टू कॉस सी प्लस ए बाई टू इट इज साइन ए बाई टू। और उसके बाद आपका रिमेनिंग टू एंगल्स आर ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी बाई टू इज साइन बी बाई टू। नाउ ये वी राइट इट फॉर टेन टेन बी प्लस सी बाई टू इज कॉट ए बाई टू एंड last two is 17. It can be written for tan c plus a by 2. So it is cot b by 2. And the last one is tan c plus b by 2. It is cot. तो ये 9 आपके a प्लस बी के लिए b प्लस सी के लिए था और ये 9 आपके a प्लस बी बाई 2 के लिए हाफ एंगल। सो अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि हाफ एंगल के लिए 10 से लेके 18 तक सारे रिजल्ट लेके हुए। दीज आर नोन एज कंडीशनल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन में हमको जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम दोनों तरफ से इसको यूज कर सकते हैं। यदि हमको रिक्वायरमेंट लग रहा है कि साइन ए प्लस बी बाई टू हमको नहीं चाहिए, उसकी जगह कॉस सी बाई टू चाहिए, तो मैं साइन ए प्लस बी बाई टू की जगह कॉस सी बाई टू लिख दूंगा, या फिर कॉस सी बाई टू को हम साइन ए प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से अपन इसको यूज करेंगे। तो फिलहाल इतना बात में, आपको कोई डाउट है तो पूछ। These are known as conditional identity. These are also the trigonometric identities under some restriction. And the restriction is here a plus b plus c is 180 degree. That means a, b, c are angles of triangle. So, जहाँ जहाँ triangle की बात होगी, वहाँ वहाँ भी आप ये identity use करें। चलिए, so I hope आपको कोई doubt नहीं है और आपने इसका screenshot भी ले लिया। ठीक है साहिल, कोई doubt है? साहिल दानव? नो सर। ओके चलिए। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ व्हाट आर द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज आइडेंटिटी। इन आइडेंटिटीज का यूटिलाइजेशन क्वेश्चंस में कैसा करेंगे, कैसे आप इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे पहली बात आपकी है क्वेश्चन ही आपको दे देता हूं। इफ ये अपन को गिवन होगा, सबसे पहली बात तो यही गिवन होगी कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन you have to show that the tan A
plus 10b plus 10c is equal to 10a into 10b into 10. और ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है एज अ क्वेश्चन एज अ रिजल्ट आप इसको याद रख सकते हो कि ये किसी भी ट्राइंगल में वैलिड एक आइडेंटिटी है कि आप उस एंगल्स ट्राइंगल के एंगल के टेन का एडिशन करें मतलब तीनों एंगल के टेन लगा के उनको ऐड करें और तीनों एंगल के टेन को आप मल्टीप्लाई करें दोनों बातें बिल्कुल बराबर है ये किसी भी ट्राइंगल को आप कंसिडर करके वेरीफाई कर सकते हो ठीक है नाउ इसको ओवरऑल प्रूफ कैसे करेंगे तो वो आप यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल सा इसका प्रूफ है या वेरिफिकेशन है कि हाउ टू सॉल्व दिस हाउ टू वेरीफाई दिस तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लेके चल रहा हूँ अपन एक ही बात जानते हैं कि वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टेन ए प्लस बी आप टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं टेन ए प्लस बी का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जो कि होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन दिस इज फॉर्मूला फॉर टेन ए प्लस बी कंपाउंड एंगल फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज ठीक है और अब आपने एक ही स्टेप लिखना है और वो ये है ऊपर जो आपने कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ी है तो उसकी हेल्प से tan a plus b can be written minus tan c तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड में tan a plus b की जगह minus tan c लिख दिया और राइट हैंड साइड जो है वो एज सच कॉपी है राइट हैंड साइड tan a plus tan b होल डिवाइडेड बाय 1 minus 10a into 10b right hand side अपन ने as such copy कर लिया ठीक है और यहाँ पर अपन इसका reason mention कर दे रहे हैं कि ऊपर से अपन ने since we given that a plus b plus c 180 था तो यहाँ पर हमने ये use किया है कि 10 a plus b की जगह पर हमने minus 10 c लिखा है by using our conditional idea After this, here we get the result. ये जो है denominator, ये denominator को मैं यहाँ पर multiply कर देता हूँ left hand side. तो जब one minus ten c से multiply होगा तो minus ten c और ये minus into minus plus हो जाएगा और आएगा आपका ten a into ten b. कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन लिखनी है आप सबसे पहले साइन लिखा करो या तो उसके सामने पॉजिटिव साइन लगेगा या फिर नेगेटिव साइन लगेगा ठीक है तो इससे आप कभी गलत नहीं होंगे तो मैंने डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर एज सच कॉपी कर दिया एंड आफ्टर दिस व्हेन वी ट्रांसफर दिस टर्म इन राइट हैंड साइड सो वी गेट द रिजल्ट कि इन तीनों के टेन का प्रोडक्ट मतलब टेन ए इंटू टेन बी Can see it is बराबर tan a plus tan b plus tan c ये तीनों के सम के बराबर आ जाता है और ये प्रूफ हो गया सो अब इसके सॉल्यूशन में आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए यस वी वेरीफाई दिस रिजल्ट सर थोड़ा लेफ्ट कीजिए ना दिख नहीं रहा है हाँ एक मिनट ठीक है अभी दिख रहा बेटा अभी दिख रहा है यस सर हाँ सर तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और कोई डाउट है तो मुझे थोड़ा सा डाउट है हाँ बोलो बेटा सर वो आपने जो उधर ब्लू कलर में लिखे हैं टेन ए प्लस बी इज़ टू माइनस टेन सी तो उसका क्या यूज हुआ अबे इसकी जगह ये लिखा टेन ए प्लस बी था ना इसी की जगह तो मैंने माइनस टेन सी लिखा है तो अपन ने वो कैसे लिखा है वो अपन ने मेंशन किया कि सिंस वी नो दैट कितना होता है तो मैं टेन ए प्लस बी को माइनस टेन सी ठीक है अभी और कोई डाउट किसी को तो पूछ लो बेटा अभी भी
क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है वो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप बनाओगे। यामिनी समझ गया तुमको? यामिनी पांडे जीविदा? यस सर समझ गया। अनुराग खरे बेटा आपको कोई डाउट? अनुराग नो डाउट। हर्ष हर्ष कोई डाउट है? हेलो हर्ष कोई डाउट है? नो सर। चलिए नो सर। ओके यार दोनों बोथ हर्ष वो समझ गया है। और नाउ अब एक मैं ये अपन देखिए कंडीशनल आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन देख रहे हैं। तो एक मैंने आपको उस पे क्वेश्चन किया, अब ठीक आप करिएगा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही मैं दे रहा हूँ। आई होप आप बना लोगे, ट्राई करिए। तो नाउ द सेकंड क्वेश्चन, पहली बात आपको वही दिया है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 देन शो दैट tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan c by 2 it is equal to 1 करिए ट्राई। If A plus B plus C is 180 degree, then you have to show that tan A by 2 into tan B by 2 plus tan B by 2 into tan C by 2 plus tan C by 2 into tan A by 2 equals to 1. If भी बच्चे का हो जाए, वो done लिखिएगा, ठीक है? और अपना solution आप तैयार रखिएगा, आप फिर उसको explain करेंगे यहाँ पर, proper solve करें, ताकि आप explain proper कर पाएं, try करिए, जिसका भी आ जाए वो done लिखिए। So here we verify this result again. First result में we show that यदि a plus b plus c 180 है, तो tan a, tan b और tan c का sum tan a, tan b और tan b के product के बराबर होगा। Tan a plus b plus c को आप tan a into tan b into tan c लिख सकते हैं। Now उसी triangle ABC में अब आपको ये शो करना है, तो आधा करना है एंगल, बिल्कुल शुरुआत वैसे ही करेंगे सॉल्यूशन में। गुंजन आवाज आ रहा है? गुंजन गुंजन मेशराम ओके चलिए आवाज आ रहा है सर? प्रॉपर हाँ बोलो ओके। कौन बोल रहा है बेटा? चलिए तो नाउ वी मूविंग ऑन टू इट्स सॉल्यूशन। और अब अपन ये रिजल्ट लेके चलते हैं। सर tan 180 का वैल्यू क्या है? tan 180 जीरो होता है। जीरो सर? हाँ बोलो सर। वो a plus b plus c equals to 180 डिग्री है, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दे फिर सॉल्व करो तो। हाँ उससे भी हो जाएगा। चलिए तो बाकी सभी लोग देख ले। सबसे पहले तो अपन आइडेंटिटी शुरुआत करें। जैसे पहले वेरिफिकेशन में भी मैंने आइडेंटिटी से शुरुआत किया था, tan a plus b को अपन ने माइनस tan c लिखा था, तो
अब आप देखें टेन ए प्लस बी बाई टू टेन ए प्लस बी बाई टू को आप कितना लिख सकते हो कॉट सी बाई टेन ए प्लस बी बाई टू कॉट सी बाई नाउ अब आप ये जो देख रहे हो ना लेफ्ट हैंड साइड में इसको मैं अलग अलग कर दूं तो मैं ए बाई टू प्लस बी बाई टू ऐसा अलग अलग लिख सकता हूँ और ये वाले पार्ट को मैं ऐसा रखा हूँ पार्ट सी बाई और अगला स्टेप में हियर बी अप्लाई टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है वो फॉर्मूला इज टेन ए प्लस टेन बी ऊपर भी अपन ने यूज किया था बी ए फॉर्मूला अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी और ये जो पार्ट है इसको अपन वन अपॉन टेन लिख तो पार्ट को वन बाई टेन लिख अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ये वाला टेन सी बाई टू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो जब टेन सी बाई टू को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा टेन ए बाई टू इंटू टेन सी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू और राइट हैंड साइड में वन माइनस टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई और फाइनली वी गेट द आंसर जब आप इसको ट्रांसफर कर दोगे यहाँ पर तो आपको क्या दिखने लगेगा ये tan a by 2 into tan b by 2 plus दो दो का प्रोडक्ट बनाना फिर ये tan b by 2 into tan c by 2 और फिर ये plus tan a by 2 into tan c by 2 ये बराबर आ जाएगा आपके 1 तो दिस इज इट्स वेरिफिकेशन इस तरीके से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं और फिलहाल आप में से किसी बच्चे को डाउट है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें कोई डाउट है तो पूछो सम मोर आइडेंटिटीज आर देयर तीसरा जो आपका आप उसको एज अ क्वेश्चन ले लें एज अ आइडेंटिटी ले लें तीन ये जो कुछ भी हम लिख रहे हैं ये a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई ये कंडीशन के अंतर्गत ही हम लिख रहे हैं इस पर बेस क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है तो वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो नेक्स्ट जो है इट इज साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी ये जो होता है ये फोर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आगे बहुत जगहों पर हमको जहां भी साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी दिया होगा मैं उठा के सीधा उसको फोर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी लिख ठीक है तो ये अब अपन कुछ यहाँ पर इनको एज अ रिजल्ट मान लेते हैं दो तो मैंने आपको ऊपर बताए इसको मैं तीसरा नंबर दे देता हूँ ये रिजल्ट नंबर अपना थ्री है फिर रिजल्ट नंबर फोर आप देखें फोर बिल्कुल इसी के जैसा इसी का भाई है छोटा भाई
छोटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब हम यहाँ पर इसको साइन ए साइन बी और साइन सी के लिए लिखते हैं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ये फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू फिफ्थ रिजल्ट है। पहले फिफ्थ लिखना है, फिफ्थ के लिए अब जैसे अपन ने साइन के लिए लिखा ना बिल्कुल वैसे कॉस के लिए होगा। कॉस टू ए कॉस टू बी और कॉस टू सी तो ये माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी और कॉस सी होगा। फोर्थ एंड लास्ट रिजल्ट जब आप इसको कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी के लिए लिखेंगे तो ये वन प्लस फोर साइन ए बाई टू वन प्लस फोर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। तो ये चार रिजल्ट और इनको आप लर्न करिएगा चारों एक साथ अभी आप नोट कर लें। ऊपर हमने दो टेन के लिए लिखे थे फिर ये दो साइन के लिए है और ये दो रिजल्ट कॉस के लिए। आगे क्वेश्चन में हमको जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेंगी वैसे हम ये रिजल्ट को यूज करें। तो आगे जब आप ट्रिग्नोमेट्री में और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम ये आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। बट याद रखें They are applicable only when a plus b plus c आपको 180 डिग्री दे। चारों को नोट कर लीजिएगा और आप वेरीफाई करने का इनको ट्राई करिएगा ठीक है। और वैसे तो ये 6 के 6 रिजल्ट जो है वो आपने याद रखना इसको नोट कर लें फटाफट से और थर्ड वाले को आप ट्राई करें वेरीफाई करने के।